pihak keprihatinan kami gusal baja di ayojak tim ke jenara terima kasih yang sangat baik di as ke awastha me dikhalja to haman ke nepal jon ki hindu rashtra hote hote bhi yaha jon haman ke hindu rashtra jon hisab se bagon bhil kisim ke prahar ho rahal ba jon ki yaha ke vastu dikhalja sanskriti riti rivaj parampara aur dharma jon ki lop ho rahal ba आज विदेशी संस्कृति हमन के अपनावत बढ़िया देसी धर्म के जोन की अपनावत बढ़िया लेकिन अपन यहां के वास्तविक धर्म संस्कृति और रीति रिवाज के जोन की विसर जात बढ़िया ओके कारण से जोन आज एठो धार्मिक हिसाब से यहां के परंपरा रीति रिवाज संस्कृति एठो ऐतिहासिक चीज जोन बा के संरक्षण करे के हिसाब से भी आयोजक टीम जोन की लगल बढ़िया ओकर लिए हम हृदय से ही धन्यवाद देना चाहत हैं और आज जोन की एठो दिन आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन बा आज एठो प्रजातंत्र दिवस भी हो आज जोन की सिर्फ यहाँ कार्यक्रम हो रहा बा जो हिसाब से यहाँ तमाम महानुभाव लोगों की उपस्थिति बा आज प्रजातंत्र के कारण ही आज जो कि यहाँ खुला रूप से अपन सभा सम्मेलन लगा के विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन आज सहभागी होकर मिलत हुआ जो कि जहानिया शासन के बेला में जो राणा शासन के बेला में कोनो भी किसी के सभा सम्मेलन कोनो भी किसी के कार्यक्रम करे लाइन लीजिए के बंदेज रहे 2007 साल से के क्रांति के कारण आज प्रजातंत्र की स्थापना भेले के कारण से आज प्रजातंत्र दिवस भी भेले के कारण से आज शुभ दिन भेले के कारण से आज संपूर्ण उपस्थित महानुभावों ने प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक मंगल में शुभकामना दी दे चाहते हैं आज ज्यादा हम बात आप लोगों के समक्ष नहीं रखा चाहे कहा कि यहाँ जितना भी महानुभाव लोग आज उपस्थित बढ़ी है सबके ध्यान केंद्रित बा इस सांस्कृतिक कार्यक्रम और यहाँ रामलीला कब शुरू हुई कब देखे मिली करके कब रामायलो करल जी के सबके मन मस्तिष्क में आज लगल बार उतरे कारण से दू चार बात आप लोगों के समक्ष रखल चाह आज हमन के एठो गांव पालिका के प्रमुख के नाता से एठो स्थानीय सरकार के प्रमुख के नाता से हमन के दायित्व हो यहाँ के चौतरफिक विकास के हिसाब से यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगा के हर एक क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के विकास हो अथवा कोनो भी क्षेत्र के विकास हो चौतरफिक हिसाब से यहाँ के विकास करे के लिए हमन के दायित्व भेले के कारण से उन्हें ढंग से हमन के यहाँ के सरावल गांव पालिका के शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन लगा के हर एक क्षेत्र में चौतरफिक हिसाब से विकास के क्रम में बजट विनियोजन करके यहाँ के जन की सरावल गांव पालिका के नमूना गांव पालिका बनाए के लिए हम के आगे बढ़ रहा है आज ढेर सारा आदमी के लगत हुई यहाँ कुछ विकास ना हुआ कुछ काम ना हुआ हाँ केहू कहू की इतना काम हुआ हम एक बात का कह चाहब कि जैसे कि आप महाभारत में आप लोगों देखले हो पहले आप समझले हो पहले क्यों क्योंकि महाभारत के अंतिम क्षण जो तो पांचों पांडव लोग महाभारत के जो विजय प्राप्त जो समय भइल उस समय में विजय प्राप्त कहने के बाद में जो पांचों पांडव लोग घरे लौटत के समय में वहां लोग एक आपस में जो की बात तालाब जो की वहां लोग खड़े लग रहे कि महाभारत के युद्ध में 100 कौरवों के जो की वहां के परास्त करे के लिए भीम जो रहे कहता हम बहुत ही शक्तिशाली रहे हम अपन गदा से तमाम सारा योद्धा लोगों के हम परास्त कर ली जो की अर्जुन कहते रहे कि हमारे जो की धनुष विद्या में सबसे सर्वश्रेष्ठ भैले नाते से तमाम योद्धा लोगों के परास्त कर ली उसके कारण से महाभारत में हमको विजय प्राप्त कर ली जाती थी ऐसा का तमाम जितना भी रहे पांचों पांडव के संपूर्ण योद्धा पांचों पांडव लोग अपना अपना तर्क बिखर जो की बहुत समझ कर रहे हैं उसके कारण से जब आपके कृष्ण के समक्ष में वो बात आई तो कृष्ण भी जो उनकी मुस्कुरा के उनके जवाब दे दिया कि
के सबसे सर्वश्रेष्ठ बा के सबसे जोन के लिए युद्ध के प्राप्त कैले में सबसे अहम भूमिका के निर्वाह कैले उ एक आपस में बहस कैले के सिवा ई युद्ध के देखे वाला एक व्यक्ति रहे उनके समय तक उ के रहे थे आपके बर्बरिक रहे जोन की युद्ध के अंतिम समय तक युद्ध के में कौन कौन सी घटना हुई कैसे महाभारत की जो उनकी विजय प्राप्त हुई पांचों पांडवों कैसे एक उत्कृष्ट स्थान में जो उनके आज अल तैयार तो वो बर्बरिक के समय में जब गई तो उसे जब पूछे लग रहा तो मुस्कुरा के वो भी हंसे लगा कि हम जो उनकी महाभारत की युद्ध में एक ही चीज देखली कि जो उनकी पांचों पांडवों में जो उनके अभिनव बहस कर कि सबसे ज्यादा जो उनकी मेहनत कैले सबसे ज्यादा जो उनकी योद्धा के मरल वो बात नहीं हो जो उनकी युद्ध में एक ही चीज हम कहा देखली कि श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र जो रहे उस सुदर्शन चक्र के कारण से असत्य में जो उनकी सत्य के विजय हम देखली उन्हें सत्यता जो सत्यता कभी भी नहीं छूट सके लगे के नाते हम ज्यादा नहीं कहता हमन के कौन सी कह लीजिए कहाँ कह लीजा देखो हमन के जनप्रतिनिधि भैया के नाते से आप जैसे कि क्यों भी बनाया वाला मनुष्य के भगवान ही है भगवान जेके करिए रोके बना सकल भिड़ा सकल वैसे ही हमन के जनप्रतिनिधि के बनाया वाला जनता है आप लोगों के कारण से आज लोग हमन के लिए आप लोग भगवान बन जाए पांच वर्ष के लिए हमन के यहाँ के स्थानीय सरकार के प्रमुख के हिसाब से यहाँ के आप लोगों की सेवा करे जो उनकी जिम्मेवारी चली जाए यहाँ के हर एक क्षेत्र के विकास निर्माण करे के लिए तो वो हिसाब से हमन के यहाँ के क्षेत्र के विकास करे के लिए हमन के अग्रसर बढ़ेगा हमेशा आप लोगों के साथ सहयोग करे जो उनकी आगे बढ़े के लिए हमन के प्यार बढ़ेगा जैसे कि हम के घमंड के लिए सुनाई हुई आज कि हम बड़ी योद्धा बड़ी है तो हम हाई के लिए हाउ के लिए किस नहीं कर रहा कहे कि आप देख लो कल जी जो उनकी महाभारत में अर्जुन भी जो उनकी घमंड के लिए रहे वो समय में कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर हम लिखे थे लेकिन वो अंत में कहा गए कि जब एक अपन रथ लेके जब जाए लगा जंगल में जब जाए लगा देखते देखते एक जो उनकी नदी के किनारे जो उनकी आई वो नदी समुन्द्र जब भाई उस समुन्द्र के किनारे जो कि समुन्द्र पार करने के लिए जो उनकी कोशिश कर ला लेकिन उस समुन्द्र में बहुत ज्यादा पानी भरने के नाते समुन्द्र पार कर नहीं सकत रहे तो कहीं कारण से सेतु बांध लग जब गई तो सेतु बांध लग जब गई के कारण से वो अर्जुन के भ्रमण पूरे के लिए हनुमान जी सेतु बांध में जो उनकी बैठा ले लिया तो जो उनकी सेतु बांध में बैठा ले लिया तो वहाँ जो उनकी अर्जुन उनके कहला की यार जो उनकी इस सेतु बांध में यहाँ से आप साइड हो जाइए हम अपना रथ जो उनकी पार कर देंगे लेकिन वो अर्जुन के जो उनकी भ्रमण पूरे के लिए हनुमान जी उनका कह लिया आप बहुत शक्तिशाली बन जाए बहुत भारी जो उनकी विचार धनुर्धर उनकी भारी जाए तो इस श्री रामचंद्र जी जो उनकी लंका में जो समय में जात रह जाए युद्ध करे के लिए जो सीता हरण भले उस समय में हमन के बानर सेना लोग सेतु बांध हम ले रहे वो बांध से हम पार करके उनकी लंका में उनकी विजय प्राप्त कर लिया तो कहा कि इस सेतु बांध जो उनके पुराना जमाना के हो गए जो उनकी यदि अपने शक्तिशाली रह बानर के सहारा न लेके अपने आप जो उनकी नदी पार कर ले रहा था लेकिन वो शक्तिशाली न भले के नाते उनसे ज्यादा हम शक्तिशाली वाले हम अभी चाहत तुरंत कि समुद्र में अपन धनुष बांध से जो उनकी जो पूरे आपको खून निर्माण कर दे और समुद्र के पार कही जाए तो हनुमान जी का कह रहा तो आपके जो इतना शक्ति बात तो आप अपन धनु विद्या से जो उनके समुद्र में जो उनके पुल निर्माण कर दिया जाए जाई रखे के तो अर्जुन जी अपन विद्या से जो समुद्र में जो उनकी आपके पुल के निर्माण कर दिया लेकिन वो पुल में हनुमान जी अपन पैर रखते भर में ही वो पुल ध्वस्त हो गए उसके कारण वो सफल नहीं भे लेकिन सेतु बात सफल हो गए जो उनकी लंका तक पूरे के लिए आपके लंका में विजय प्राप्त करने के लिए जो उनकी श्री रामचंद्र आगे बढ़ रहे ओके नाते से हम ज्यादा बात न कहते आप लोगों की सेवा में हमेशा हम तत्पर वाली तो गांव पालिका के प्रमुख के नाता से जो हिसाब से आप लोगों ने
जिम्मेवारी जिले वाले जाए यहाँ के हर एक जिम्मेवारी पूरा कर लिए आगे बढ़ा लिए लेकिन आप लोगों के हमेशा साथ भाई कहते और साथ साथ जो भी यहाँ के निर्माण के सवाल में जो बात आए हुआ यहाँ विशेष करके ये गांव के बुद्धिजीवी समाज से व्यक्तित्व वाले जाए शंकर चौधरी जी त्रिपुरी चौधरी जी वहां लोग विशेष करके यहाँ के निर्माण के सवाल में जो उनके छठ घाट के निर्माण के सवाल में बात कही जा रही है उन्हें हम बजट जो उनके गांव पालिका को से डाल देने वगैरह साथ रहते यहाँ निरीक्षण करे आ जा मंदिर के भी जो उनकी बजट जो उनके ऊपर मिलवा वगैरह साथ रहते एक और आप बात रख ली जाएगी यहाँ और भी आवश्यकता बात उनके शिव मंदिर जो वहाँ ट्रस्ट निर्माण के बात आए हुआ वो गाँव पालिका की ओर से हम उनके ट्रस्ट निर्माण में भी अगला अति हम उनके बजट डाल देके प्रतिबद्धता जाहिर भी करना चाहते हैं और साथ साथ यहाँ के हर एक क्षेत्र में कोई भी किसी के समस्या बात निर्धक के साथ आप लोग देखो अपन अपन ही घर के जो उनकी बाल बच्चा समझ के अपन ही घर के परिवार समझ के जब भी आप लोग कहा जाए तो खुला रूप से आप लोग बात करके जो भी समस्या आप निर्धक के साथ रखा जाए हमेशा आप लोगों के साथ में आप लोगों के गाँव गाँव के